जब पहली दफ़ा में ना, ये वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब इसको कुछ करना वरना नहीं है, सिर्फ ये समझ लो ताकि आइडिया हो जाए। और ये वाली अप्रोच इंटरनेट पे और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। तो पहली दफ़ा जब आप किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो होता ये है कि आपके पास ना एक सर्टिफिकेट बना हुआ होता है आपके पास। अच्छा, जो सर्टिफिकेट होता है वो दो की का पेयर होता है, सही है। उसमें से एक होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की, सही है। मिसाल के तौर पे अब मैं एक कंप्यूटर हूँ, मैं और आप एक कंप्यूटर हैं, तो मैं जब आपसे कम्युनिकेट करूँगा तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, और सर्टिफिकेट किससे मिलके बनता है? एक पब्लिक होती है की और एक प्राइवेट की होती है। अच्छा, प्राइवेट की पब्लिक की कोई ख़ास मतलब वो नहीं है, एक लंबा सा स्ट्रिंग होता है, एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रिंग होता है, एक स्ट्रिंग को मैंने छुपा के रखना होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट की, और एक वो स्ट्रिंग होता है वो मैं दुनिया को दिखा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड पब्लिक की, सही है। तो ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट बना हुआ होता है पहले से, ठीक है। अच्छा, ये कौन बनाता है? ये ब्राउजर वगैरह के लेवल पे ये खुद ही बना लेते हैं। आप सर्वर हैं, आपके पास भी क्या होगा, उसी तरह का एक सर्टिफिकेट होगा। इसको कहते हैं, ये RSA सर्टिफिकेट कहते हैं अलग। हाँ, ये लिखा हुआ भी है इसमें, RSA, ठीक है। अच्छा, इसके और भी अलग अलग वो हैं, ज़रूरी नहीं है कि RSA का हो, इस तरह के और भी लोगों ने बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे SSL होता है, मिसाल के तौर पर जब HTTP प्रोटोकॉल में जब बात हो रही होती है, जब मैं google.com लिख के पहली दफ़ा एंटर करता हूँ, तो google.com पे जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, वो तो पब्लिक होती है, रिक्वेस्ट तो पब्लिक होती है ना, गेट की रिक्वेस्ट होती है सबसे पहली। वहाँ से जो डेटा आएगा ना, लेकिन वो डेटा इनक्रिप्टेड आएगा, ठीक है। तो मेरे पास से जो रिक्वेस्ट जाएगी, तो मेरे पास एक SSL होगा और एक SSL वहाँ होगा। अभी ये तो RSA SSL एक ही बात है, वो इंटरनल मैकेनिज्म समझाने की बात है। अच्छा, तो समझ में आ रहा है, एक कंप्यूटर है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे कंप्यूटर से। पहले कंप्यूटर के पास भी एक सर्टिफिकेट है, दूसरे के पास भी एक सर्टिफिकेट है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट की का पेयर है। अच्छा, तो पहला कंप्यूटर मैं हूँ, मैं जब भी किसी को रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मैं अपनी पब्लिक की साथ में भेजूंगा, मैं बोलूँगा भाई ले जाओ, मेरी पब्लिक की है ये। पब्लिक की इज़ काइंड ऑफ, आप समझ लें कि ईमेल, जैसे आपका जीमेल होता है ना, जीमेल में एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। ईमेल एड्रेस जो होता है वो पब्लिक होता है ना आपका, वो आप सबको बांट देते हैं कि भाई मुझे ईमेल करो, लेकिन पासवर्ड आप छुपा के रखते हैं, कि भाई पासवर्ड से तो ईमेल कोई देख सकता है आपके मेल बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसी तरह की चीज़ है कि मैं सबको ईमेल अपनी बांट रहा हूँ, तो इसी तरह जब भी मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, पब्लिक की साथ में भेजता हूँ। अच्छा, मैं नहीं भेजता, मेरा ब्राउज़र भेजता है, खुद ही भेज रहा होता है। सामने वाला जो है, जो पार्टी है, उसने भी अपनी पब्लिक की को पब्लिक किया हुआ होता है, वो भी सबको नज़र आ रही होती है। अब गौर से समझोगे तो ये बात समझ में आएगी। पब्लिक की दोनों को पता चल गई एक दूसरे की, दोनों को एक दूसरे की पब्लिक की पता चल गई। अच्छा, पब्लिक की पब्लिक होती है तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे पास एक कंप्यूटर है, ABC कंप्यूटर कोई, मेरे पास उसकी पब्लिक की आ गई, और मेरे पास क्या है, मेरी खुद की पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, मेरी खुद की पब्लिक और प्राइवेट दोनों मेरे पास, और सामने वाले की सिर्फ पब्लिक की आई है। अब मैं इस डेटा को इनक्रिप्ट करूंगा किस चीज के साथ, मेरी प्राइवेट की और सामने वाले की पब्लिक की, इन दोनों को मिला के ना एक नई की बनाऊंगा, और उस की से मैं डेटा को इनक्रिप्ट करूंगा, सही है। अच्छा, अब वंस ये डेटा इनक्रिप्ट हो गया ना, अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे एक दूसरी की चाहिए। ये डेटा इनक्रिप्ट हो गया, अब ये जिस की से मैंने इसको बनाया है, मैंने किस की से बनाया है उसको गौर से समझना, मेरी प्राइवेट की से और उसकी पब्लिक की को मिला के मैंने एक नई की तैयार की थी, उससे इसको इनक्रिप्ट किया। अब ये जो जिस की से ये इनक्रिप्ट हुआ है ना, उससे ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उससे ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। ये जो टेक्निक है जो लोगों ने स्टेबल बनाया हुआ, वो समझा रहा हूँ। ये अब डिक्रिप्ट किससे होगा, ये अब डिक्रिप्ट होगा ये मेरी पब्लिक की और उसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, सही है, ऐसे होगा ये। अच्छा, ये अचीव कैसे किया गया है, कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, कोई एक दफ़ा बना दिया किसी ने और ये चलता है, प्रॉपर चलता है, ठीक
ठीक है, तो इस तरह का चक्कर है। तो अब इससे फ़ायदा क्या हो गया कि जब भी मैं यहाँ से कोई डेटा भेजूँगा, मैं उसको अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँगा और वो अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसे कैसे हो रहा है कि एक की से इनक्रिप्ट हो रहा है, दूसरे से डिक्रिप्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप करके देख भी सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने ना प्लेग्राउंड एक खोला हुआ है। अब एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की ना कह रहा है यहाँ पे बना लो आप, सही है। तो मैंने पब्लिक प्राइवेट की मैंने बनाया 1 2 3 4 और पब्लिक की मैंने बनाया ABC। ABC जो है वो क्या है मेरा, वो मेरा पब्लिक की है। अच्छा, अब कह रहा है यहाँ पे ना एक टेक्स्ट लिखो। मैंने कहा दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, ये एक सीक्रेट मैसेज है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइवेट की और ये जो पब्लिक की थी ना, इससे मिला के मैंने क्या किया, मैंने कहा इनक्रिप्ट। तो ये जो टेक्स्ट था मेरा, ये क्या बन गया, ये इस तरह का कुछ बन के सामने आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो बना हुआ टेक्स्ट है, ये मैं क्या करूँगा, अब ये मैं किसी भी मीडियम से भेज दूँ और रास्ते में वो इस टेक्स्ट को देख भी ले तो इसको वो समझ नहीं पाएगा कि ये है क्या, वो इसको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़। अच्छा, अब इसको मैंने क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। तो मैं यहाँ पे वापस आके क्या करूँगा, जो इनक्रिप्टेड चीज़ है वो लिखूँगा और इसको डिक्रिप्ट कर दूँगा। यार ये वो वाला प्लेग्राउंड नहीं मिला मुझे जो मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली। डिक्रिप्ट करूँगा तो ये वापस से वो ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यार ये वो वाला प्लेग्राउंड नहीं है भाई, दबे इसमें तो दो एंटिटीज होती हैं, इसमें तो एक ही एंटिटी है, इसमें तो एक ही एंटिटी है। एक मिनट में ज़रा कुछ और टर्म लिखता हूँ, ये वो वाला नहीं था यार, SSL यार पता नहीं गुम हो गया मेरे से। ओपन SSL लिखता हूँ उसमें। SSL ऑनलाइन 2 नहीं, ये तो बना के दे रहा है। नॉट लाइक दैट, उसी से क्या आया था। पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन लिखा था ना मैंने। उस वाले में असल में प्लेग्राउंड में होता ये है कि पहले ना आप एक जनरेट करते हैं ना, सही है, आप एक ना वो जनरेट करते हैं। अभी आई थिंक ये वाला मैं सही पहुंच गया हूँ। तो मैंने लिखा ABC और मैंने लिखा जनरेट। अच्छा, ये खुद ही जनरेट कर दिया इसमें। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक पब्लिक की बन गई, एक प्राइवेट की बन गई। अच्छा हाँ, अब ये सही खुला है ना, बिल्कुल।
अच्छा, अब ये पब्लिक की और प्राइवेट की ना मैं अलग अलग स्टोर कर लेता हूँ, ताकि ये शोभा ना रहे कि इस पेज में ही कुछ सेटिंग हुई हुई है अपना। तो मैं अपने पास एक नोट नहीं बल्कि ये वी एस कोड में ही ना एक अलग से छोटा सा बना लेता हूँ नोट पैड। सही है, रीडमी की फाइल में ना यहाँ पे मैं इस पे स्टोर कर लेता हूँ। ये वाली जो मैंने की है पब्लिक की है, राइट। अब मैं यहाँ से उठा के करूँगा मैं, और ये मेरी प्राइवेट की है। अच्छा, इस पे जो ट्रिक है ना असल में वो पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करते वक्त की ट्रिक है। ये पब्लिक प्राइवेट की ना रैंडम नहीं है, ये एक खास कैलकुलेशन के तहत इसको जनरेट किया जाता है कि पब्लिक की और प्राइवेट की, मतलब आप अगर बोलते हैं ना कि पब्लिक की मेरी मर्जी का होगा तो प्राइवेट की फिर एल्गोरिथम से जनरेट होगा, या आप अगर बोलते हैं कि प्राइवेट की जो है मेरी मर्जी का होगा तो पब्लिक की फिर एल्गोरिथम से जनरेट होगा। समझ रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि रैंडम नहीं है, ये एक कैलकुलेशन के तहत पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर तैयार किया जाता है, जब ही इसको सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रैंडम लिख दिया ना अपनी मर्जी से तो वो सर्टिफिकेट इनवैलिड होगा। तो ये मैंने दोनों को उठा के ना इधर स्टोर कर लिया, और मैंने इस पेज को क्या कर दिया, रिफ्रेश करके ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इनक्रिप्शन करूँगा। सही है। अच्छा, ये इनक्रिप्शन में क्या कर रहा हूँ, ये मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज अ सीक्रेट टेक्स्ट। अच्छा, और इनक्रिप्ट मैं किससे करूँगा, मैं अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँगा ना, या किससे करूँगा, मैं अपनी पब्लिक से करूँगा मैं। ठीक है, अपनी पब्लिक की से उसको मैं इनक्रिप्ट करूँगा, लेकिन मेरी पब्लिक की क्योंकि पब्लिक है तो उस पब्लिक की से डिक्रिप्ट नहीं हो सकेगा। मेरी पब्लिक की से मैं इसको इनक्रिप्ट करूँगा तो फिर मेरी पब्लिक की से ये डिक्रिप्ट नहीं होगा, फिर ये सामने वाले की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। लेकिन अब सामने वाले की प्राइवेट की तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं होता, लेकिन इसी तरह का कुछ चक्कर है। इसी तरह का होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो कहते हैं ना वो इसी तरह का होता है। अच्छा, ये मुझे क्या कह रहा है कि पब्लिक के बाद स्लैश लगा के प्राइवेट डालो, ये कह रहा है। क्योंकि मैं अगर सिर्फ अपनी पब्लिक की से कर दूंगा अगर, तो उसकी प्राइवेट की तो बीच में आएगी नहीं ना, फिर उसकी प्राइवेट की बीच में कहाँ चली गई। तो मुझे यहाँ पे मेरी पब्लिक की लगानी है, सॉरी मेरी प्राइवेट की लगानी है और उसकी सामने वाले की पब्लिक की लगानी है। तो मेरा ख्याल है शायद मुझे एक पेयर और बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट का, राइट। तो एक पेयर और बनाते हैं, एक पेयर और बना दिया मैंने। अगर मैं अभी सही जगह पर खड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं भी सही कर रहा हूँ ना ये, मैं भी भूल रहा हूँ कि पता नहीं मैंने क्या लिखा है। खैर, अब ये सवाल पूछ लिया मैंने तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये बता दूँ। एक और पेयर मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए तैयार कर लिया, इसको रिफ्रेश करके मैं एक नया पेयर तैयार करता हूँ। एक और पेयर मैंने तैयार किया, तो मैं अब इसमें लिखूंगा कि P1 पब्लिक की है या P1 प्राइवेट की है, यानी पर्सन वन है ये। और उसके बाद मैं आगे यहाँ पे बोलूंगा कि भाई अब P2 की क्या है, ये पब्लिक की है। और फिर प्राइवेट की भी मुझे P2 की या प्राइवेट की में P2 प्राइवेट की। सही है, अब मेरे पास क्या आ चुकी है, दो कीज आ चुकी है। अच्छा, दोबारा से मैं इस पेज को रिफ्रेश करके ख़त्म कर देता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, अब इनक्रिप्शन करते हुए मुझे एक यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, और एंटर करना है मुझे public/private की। public/private की का मतलब क्या है, एग्जैक्टली पब्लिक और स्लैश करके करना है, या चलो मैं स्लैश करके दोनों डालता हूँ पहले। तो नहीं, कोई एक नहीं, असल में वो कह रहा है कि इनक्रिप्ट किससे हो रहा है। वो असल में मैंने दो की दी है ना,
जैसे कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी प्राइवेट और उसकी पब्लिक को मिला के की तैयार करूँगा, तो ये अब कह रहे हैं कि दी तो आपने दो है लेकिन इंक्रिप्शन किससे करनी है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी प्राइवेट की से और सॉरी मेरी पब्लिक की से इंक्रिप्शन करनी है, ताकि फिर डिक्रिप्ट उसके वाले से होगा। अगर मैंने इंक्रिप्ट उसके वाले से कर दिया ना तो डिक्रिप्ट फिर मेरे वाले से होगा, ये चक्कर है, समझ लो। तो इसलिए वो रेडियो बटन उसने पूछा है कि करना कौन से वाले से, ये सर मैं प्ले ग्राउंड है ना तो इसने ईजी करके बनाया, अदरवाइज प्रोग्रामिंग लेवल पे जब मैं करूँगा तो मैं दोनों को मिला के की तैयार करूँगा। अब वो मोस्ट प्रॉब्ली जो लाइब्रेरी मैं यूज़ करूँगा उस लाइब्रेरी में इंस्ट्रक्शन होगी कि उन दोनों की को मिला के कैसे नई की जनरेट करनी, इस तरह का कुछ चक्कर होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई सीक्रेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पब्लिक की डालूँगा पर्सन टू की जिसको मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक की पब्लिक होती है, ये पब्लिक की मैंने यहाँ से कॉपी की और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लगा देता हूँ स्लैश, और अब मेरी प्राइवेट की मैं लगाऊंगा पर्सन वन की प्राइवेट की, देखते हैं कि चलता है नहीं चलता, और ये लगा दिया मैंने। अच्छा, इनक्रिप्शन मैंने बोला कि भाई आपने करना है पब्लिक की से, और इसको मैंने इनक्रिप्ट का बटन दबा दिया। अब इनक्रिप्ट का बटन दबाते ही ये मेरे पास इनक्रिप्टेड डेटा आ गया, इसको मैंने कॉपी किया, इनक्रिप्टेड डेटा को कॉपी कर लिया मैंने, और इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि पीछे का डेटा चला जाए। अच्छा, अब यहाँ पे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैंने लिखा है, अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब ये सामने वाले के पास पहुंच चुका है मैसेज, सही है, सामने वाले के पास पहुंच चुका है, तो सामने वाले को मेरी पब्लिक की चाहिए, सही है, और अपनी प्राइवेट की चाहिए, तो मेरी पब्लिक की ये रही, नहीं मेरी पब्लिक की है, अच्छा ये तो सामने वाले की, हाँ मेरी पब्लिक की है, अभी मैंने अपनी प्राइवेट से इसको किया ना, अभी मेरी पब्लिक की से ये आ गई मेरी पब्लिक की स्लैश, और सामने वाले की क्या चाहिए मुझे, प्राइवेट की चाहिए, सही है, सामने वाले को अपनी प्राइवेट की चाहिए, मतलब कॉपी किया मैंने और ये प्राइवेट की आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इससे डिक्रिप्ट किससे करना है, तो क्योंकि मैंने अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया था, सही है, तो मेरी पब्लिक की इसमें है, बट ये डिक्रिप्ट मेरी पब्लिक की से नहीं होगा, उसकी प्राइवेट की से होगा, तो मैंने इसलिए प्राइवेट की सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके मैंने डिक्रिप्ट का बटन दबाया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, सही है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ लिखा नहीं था, हाँ नहीं, मेरी पब्लिक की तो सेम रहेगी ना, मतलब मेरी पब्लिक की दोनों दफ़ा में इन्वॉल्व होगी, सॉरी ऐसा किया मैंने, नहीं मेरी पब्लिक की दोनों दफ़ा में इन्वॉल्व नहीं होगी, पहली दफ़ा में मेरी पब्लिक सॉरी उसकी पब्लिक की होगी, मेरी प्राइवेट की होगी, ऐसा किया मैंने, दोबारा करते हैं, अबे यार ये घनचक्कर हो जाता है, भूल जाता हूँ मैं अभी। अच्छा, पहली दफ़ा में मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरी क्या है, मेरे पास प्राइवेट की है, लेकिन मेरी प्राइवेट की इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, मेरी पब्लिक की इस्तेमाल करूँगा, नहीं मेरी पब्लिक की क्यों करूँगा मैं इस्तेमाल, उसकी पब्लिक की करूँगा सामने वाले की, और मेरी प्राइवेट होगी, राइट, उसकी पब्लिक होगी मेरी प्राइवेट होगी। तो आते हैं ज़रा, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पब्लिक की ना इधर ऊपर पेस्ट करनी थी, नीचे नहीं पेस्ट करनी थी, जो मैं स्लैश डाल के कर रहा हूँ ना वो मैंने इधर ऊपर पेस्ट करनी थी, सही है, तो ज़रा इस तरह से हम करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पी वन हूँ ना, अभी मैं पी वन हूँ, तो मैं पी वन का मेरे पास क्या है, अगर ये मेरी पब्लिक यहाँ आ गई, मे भी शायद मुझे यहाँ लगानी है, यार हम कोई दूसरा प्लेग्राउंड ढूंढ लेंगे, इस प्लेग्राउंड में ना सही टेक्स्ट, ये असल में कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रही है मुझे कि ये जो स्लैश करके लिखा है इसने, क्या ये स्लैश करके देना है या यहाँ पे जस्ट एक की देनी है, यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो
अच्छा मुझे अभी एक चीज़ याद आई है, मैं शायद ये गलत कह रहा था कि मैं ये गलत कह रहा था शायद कि जो है ना दो को मिला के होगा, ये दो को मिला के नहीं होगा, मुझे अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकॉल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिकॉल हो रहा है, मतलब मुझे पर्सन टू को अगर मैसेज भेजना है ना तो उसमें मेरा सर्टिफिकेट इन्वॉल्व नहीं होगा, अभी मुझे ये याद आया, ये दो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये पर्सन टू को मुझे भेजना है ना तो उसने पब्लिक की अपनी भेजी तो है, इस पब्लिक की से मैं इनक्रिप्ट करूँगा इसको, ये मुझे अभी याद आया, पर्सन टू को भेज रहा हूँ ना मैं, तो बस पर्सन टू का सिर्फ लिखूंगा मैं, अपना क्यों लिख रहा हूँ इसमें, उसी के पब्लिक की से जो चीज़ इनक्रिप्ट हुई है ना वो उसके प्राइवेट से डिक्रिप्ट हो जाएगी, दैट्स इट। ये मैं दो दो को क्यों इन्वॉल्व कर रहा था, पता नहीं कहीं और गया हुआ था मैं मैंने कहा कि भाई सीक्रेट टेक्स्ट, और इस पर मैं क्या लिखूंगा, सामने वाले की पब्लिक जो कि मैंने यहाँ से पी टू की पब्लिक उठाएंगी, उसने मुझे भेजा है ना अपना पब्लिक, भाई ईमेल और पासवर्ड का मैंने एग्जाम्पल दे के भी उल्टा जा रहा था, ईमेल में क्या करता हूँ मैं, पब्लिक दे देता हूँ, मैं कहता हूँ भेजो इस पर, और प्राइवेट से देख लेता हूँ उस ईमेल को, तो इसमें भी यही होगा, उसने मुझे पब्लिक भेजी है अपनी, उससे मैं इनक्रिप्ट मार दूंगा, दैट्स इट। तो ये मैंने उसकी पब्लिक इधर पेस्ट किया, मैंने कहा भाई पब्लिक की से हो रहा है ये इनक्रिप्ट, सही है इनक्रिप्ट हो गया ये, दैट्स इट। अब मैंने इसको कट किया यहाँ से, ये इनक्रिप्टेड डेटा अब मेरे पास है, ये इनक्रिप्टेड डेटा को मैंने इधर पेस्ट किया, अब डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए, जिस पर्सन की पब्लिक की से ये इनक्रिप्ट हुआ है उसी पर्सन की प्राइवेट की चाहिए, ये था असल में चक्कर जो मैं पहले पता नहीं घूम गया था, सही है। तो उसी पी टू की प्राइवेट की जो कि मेरे पास नहीं है उसी के पास है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको लाके मैंने इधर पेस्ट कर दिया, मैं बता रहा हूँ भाई प्राइवेट की डाली है इस बार मैंने, और मैंने कहा कि भाई डिक्रिप्ट कर दो, तो ये डिक्रिप्ट हो गया, ये अपोजिट भी हो सकता है लेकिन अपोजिट नहीं करते, करते इसी तरह, ठीक है करते इसी तरह। तो वेल फाइनली हमें ये समझ आया कि जब भी मैं किसी सर्वर से कम्युनिकेट करूँगा तो उस सर्वर के पास एक सर्टिफिकेट होगा, वो मुझे अपनी पब्लिक की भेजेगा, प्राइवेट वो छुपा के रखेगा, और मुझे जो डेटा उसको भेजना होगा वो मैं उसी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके उसी को भेज दूंगा, और वो उसको फिर वंस उसको इनक्रिप्ट कर दिया उसको मैं खुद भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिक्रिप्ट अब किससे होगी, वो उसकी प्राइवेट की से होगी, ठीक है। अच्छा अब उसने मुझे कोई डेटा भेजना है तो मेरी पब्लिक की उसके पास मौजूद है उससे करके भेजेगा, मैं उसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लूँगा, तो ऐसे चलता है ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन, आपको मैंने समझाई है कि कैसे चलती है, ठीक है। क्योंकि जो शुरू में मैंने एक दफ़ा जो लास्ट एक दफ़ा लेक्चर हुआ था हमारा इनक्रिप्शन को लेके, तो उसमें जो हमने डिस्क्रिप्शन ली थी इसकी वो ये था कि दो बादशाह मिलेंगे आपस में की शेयर कर लेंगे, वो तो रियल लाइफ की एक एग्जांपल हो गई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये काम हो कैसे रहा है वो ये हमने अभी समझ लिया, ठीक है। क्योंकि ये वाली डिस्कशन बहुत कम कम होती है, कभी बात निकल आती है टॉपिक छिड़ जाता है तो डिस्कशन होती है ये वाली। अच्छा ये चीज़ें कहीं पर भी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, खासतौर पे वेब डेवलपमेंट की बुक में, जावास्क्रिप्ट की बुक में, ये सर्वर डेटाबेस इन किसी भी बुक में ये बात डिस्कस नहीं हुई भी होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं है इसका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर आपको पता हो तो आपको थोड़ा सोचने में हेल्प आउट होता है कि अच्छा यार पीछे कहानी चल जाएगी, और लिटरली पूरा इंटरनेट जो है, जितना भी इंटरनेट पर कम्युनिकेशन हो रही है उसमें जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है ना जगह जगह, वो ये। अच्छा अभी ये एक RSA करके है, इसके अलावा भी हैं, RSA के अलावा भी हैं अलग अलग, लेकिन वो बेसिक अप्रोच यही है कि भाई एक प्राइवेट और पब्लिक की का पेयर बनता है और इस तरह करके होता है, तो बेसिक अप्रोच यही है। नहीं ये एक्सपायर नहीं होती, ये हमेशा चलता है अनटिल एंड अनलेस कि आपकी प्राइवेट की लीक ना हो जाए, आपसे गुम हो जाए या किसी और को मिल जाए तो वो होगा, वरना ये एक्सपायर नहीं होता, सही है। तो व्हाट्सएप में भी वो ये क्लेम करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ठीक है, लेकिन और है भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है भी, आप चेक करेंगे ना जब नेटवर्क, भाई राउटर में जो ट्रैफिक आना जाना कर रही है उसको तो देख सकते हैं ना आप, उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इनक्रिप्टेड डेटा ही जा रहा है। लेकिन व्हाट्सएप जैसे मोबाइल ऐप के केस में अगर वो ये प्राइवेट की भी एक छप्पड़ में भेज दे छुपा के अपने पास स्टोर कर ले, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट की इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो चुपके से भेज दे अपने सर्वर पे व्हाट्सएप डेटाबेस में अपने, और वहाँ स्टोर कर ले, ये एक्सपायर तो होती नहीं है, ये तो जैसे ही आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया वो जनरेट हो गई, वो की ही जनरेट हो गई, दैट्स इट। तो अगर वो की
व्हाट्सएप वाले अपने डेटाबेस में एक दफ़ा सेव कर लें तो ज़िंदगी भर आप जो भी मैसेज करेंगे ना व्हाट्सएप वाले उसको डिक्रिप्ट करके देख सकते हैं, समझ रहे हो। या अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए, क्योंकि जाहिर है ये की कहाँ स्टोर है, आपके फ़ोन की डिवाइस में कहीं ना कहीं स्टोरेज में स्टोर है ना यार ये की, हाँ मतलब आपकी डिवाइस में स्टोर है ना कहीं ना कहीं, जब तक आपकी डिवाइस में ये की स्टोर नहीं होगी तो आने वाली रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आपके फिज़िकल डिवाइस किसी के पास आ जाता है या उसका कंट्रोल आ जाता है किसी के पास, और वो बंदा लोकेट कर ले कि ये प्राइवेट की कहाँ स्टोर की हुई है और उसको कॉपी कर ले अपने पास, तो बस आपके फिर उसको क्या चाहिए, फिर उसको चाहिए आपके राउटर की तार, आपके राउटर के तार में वो बीच में लगाएगा इंटरसेप्टर और आपके जितने भी आने जाने वाले पैकेट हैं उसको डिक्रिप्ट करके देख सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आने जाने वाला ट्रैफिक तो इंटरसेप्ट होता ही है, सब जगह होता है भाई। आपके घर पे जो इंटरनेट लगा हुआ है उसकी तार आपके जो केबल नेट वाला है जो प्रोवाइडर है आपके एरिया का उसके पास से होके आ रही है ना यार, वो चाहे तो वो सिस्को का एक सॉफ्टवेयर होता है पैकेट ट्रैकर पता नहीं इस तरह का कुछ होता है, वो लगाएगा उसको दिख रहा होता है जितने भी पैकेट्स आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकता वो, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होते हैं सारे पैकेट्स। तो उसके पास अगर आपकी की मौजूद हो तो वो क्या करेगा, वो हर आने जाने वाले पैकेट पे आपकी की लगा के देखेगा, जिस जिस पे लगेगी उसको साइड करता जाएगा, तो अल्टीमेटली पूरे कन्वर्जेशन देख सकता है आपकी वो, ठीक है, ओवर द व्हाट्सएप जो आप कर रहे हैं। तो ये की का चक्कर है सारा, तो पूरा इंटरनेट जो है ना इस वक्त वो इसी आइडियोलॉजी में चल रहा है, इसी तरह से उसको सेव किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप और नोट की होगी आपने, यहाँ पे जब ये लिखा हुआ था ना इसने 1024 बिट जो की जनरेट कर रहा है ना, ये 1024 बिट की जनरेट कर रहा है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को मेरी पब्लिक की मिलती है, पब्लिक की तो पब्लिक है, तो वो मेरी प्राइवेट की को गैस कर सकता है, वो मेरी प्राइवेट की को गैस कर सकता है, और मेरी क्या हो रहा है अचानक अचानक इसको, तो मेरी प्राइवेट की लग रहा पता चल गया व्हाट्सएप वाले को माइक को मेरे कंट्रोल कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं वो। वेल तो ये 1024 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि जो मेरी की का साइज होगा वो 1024 कैरेक्टर आप समझ लेंगे होगा। अब चूंकि वो 1024 कैरेक्टर है तो अब उसमें कितने, अगर चार डिजिट का पिन है किसी का तो उसकी मैक्सिमम, यार क्या हो रहा है इसको, हेलो 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 सही हो गया तो अगर चार डिजिट का पिन है किसी का तो उसमें 0000 से लेके 9999 तक अगर आप नंबर ट्राई करें तो कोई एक लग जाएगा, और ये टोटल कितने बने, 9999। तो इसमें 9999 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर यही चीज़ अल्फा न्यूमेरिक हो कि भाई 0 से 9 तक भी हो सकता है, ए से जेड तक भी हो सकता है, और ए से जेड तक कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है, तो 9 इधर 26 और 27 कैरेक्टर होते हैं ना ए से जेड तक, 26 और 26 जो भी बनते हैं, तो ये कितने नंबर हो गए टोटल, काफ़ी हो गए, तकरीबन 50 के करीब यूनिक सिंबल्स हो गए। 0 से 9 में 10 यूनिक सिंबल थे, अब 50 के करीब यूनिक सिंबल्स हो गए और उसका साइज 4 डिजिट है फिलहाल के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक 9999 से बढ़ के 900,000 से भी शायद 9 करोड़ तक पहुँच जाए। अच्छा, फिर वो 4 डिजिट से बढ़ा के अगर आप इसको 1024 कैरेक्टर कर दें तो ये ट्रिलियन गैजिलियन तक ये पहुँच जाएगा, कि इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 1024 इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी। आप ये कर सकते हैं ना कि एक नंबर जनरेट करें, उसको पेयर चेक करेंगे, ये पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, फिर दूसरा करें, फिर पेयर चेक करें, फिर दूसरा करें, फिर, तो इस तरह प्राइवेट की गैस कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना 1024, ये कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ को देखी जाती है, अगर मैं अभी गूगल करूँगा ना कि 1024 बिट को क्रैक करने के लिए मुझे कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो इसको इस चीज़ से देखा जाता है कि इस वक्त दुनिया में जो सुपर कंप्यूटर है, या समटाइम इसको इस तरह भी करते हैं कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस वक्त, उन तमाम को मिला के जो उसकी कंप्यूटिंग पावर बनती है, जो भी बनती है, अगर उस पावर को मैं यूज़ करते हुए इसको डिक्रिप्ट करूँ या इसको क्रैक करने की कोशिश करूँ, चेक कर करके डिफरेंट बैठे हुए क्यों भाई तुम खड़े हो जाओ, उसको अगर मैं क्रैक करने की कोशिश करूँ तो मुझे 100 ईयर्स तक लग रहे हैं अगर, तो उसको सेफ समझा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट सिचुएशन है, कुछ में 500 ईयर्स अगर लग रहे हैं
यानी मैं दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है उसको मिला दूँ और उस पर रन करूँ ये वाला क्रैक का कोड, और इसको चलने में अगर 500 ईयर्स कंटिन्यूसली लग रहा है अगर, तो फिर उसको सेफ समझा जाता है। इस तरह करके कैलकुलेशन होती है, सही है। अच्छा, अगर अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम कंप्यूटर के दौर में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कंप्यूटिंग पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे पास 4096 बिट तक यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, तो आप ये भी देखेंगे कि जब सिक्योरिटी की बात होगी ना, अगर मैं व्हाट्सएप पे जाऊँ ना, व्हाट्सएप सिक्योरिटी, तो उसमें वो उन्होंने बताया हुआ होता है कि कितने बिट की इंक्रिप्शन हम लगा रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा, बिट का जिक्र ही नहीं किया हुआ इन्होंने। यूजर्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन अभी आप बिट लिखूंगा ना तो याद जाएगा कि कितने बिट का है। व्हाट्सएप के विकीपीडिया का पेज खोलते हैं, विकीपीडिया में क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया हर चीज़ डिटेल में वहाँ बताई जाती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे ये बात लिखी हुई हो। अच्छा, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन की ना टेक्निकल डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन की ये डिटेल लिखी हुई है उन्होंने। इन्होंने यहाँ पे लेकिन ये जिक्र यहाँ पे भी नहीं हुआ होगा कि कितने बिट की इंक्रिप्शन है। व्हाट्सएप क्लाइंट प्लेटफॉर्म दिस नवंबर 18, 2014 ओपन विस्पर सिस्टम अनाउंस द पार्टनरशिप विद व्हाट्सएप टू प्रोवाइड एंड टू एंड इंक्रिप्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल सिग्नल इनटू ईच व्हाट्सएप क्लाइंट प्लेटफॉर्म। सही है, ओपन विस्पर सिस्टम दिस एंड ग्रुप मीडिया एंड की वेरिफिकेशन वुड बी कमिंग सून आफ्टर व्हाट्सएप कन्फर्म्ड। अच्छा, अप्रैल 2016 में फिर एक अपडेट आई है ओपन विस्पर से, और अक्टूबर 2021 में व्हाट्सएप रोल्ड आउट एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉर बैकअप्स एंड्रॉइड दिस। यहाँ पे इन्होंने एक जगह जिक्र किया 64 डिजिट इंक्रिप्शन की है। सही है, 64 डिजिट इंक्रिप्शन की है। अब ये बिट्स में कितने बनते हैं, एक कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 16, 2 बाइट 16 बिट होते हैं ना, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाई 16, अबे भाई 64 मल्टीप्लाई बाई 16 1024 बिट बनता है। ठीक है, तो इनकी जो इंक्रिप्शन है बैकअप्स के लिए, जो इंक्रिप्शन है ना, जो आप बैकअप बनाते हो व्हाट्सएप में, तो वो जो इंक्रिप्शन होती है वो 1024 बिट की ही इंक्रिप्शन है फिलहाल के लिए। अच्छा, जो कम्युनिकेशन मैसेजेस होते हैं उसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो कितने बिट की इंक्रिप्शन है। अच्छा, डिजिट में ही शायद लिखा हो इन्होंने, अच्छा डिजिट में भी जिक्र नहीं किया हुआ। वेल, तो जहाँ पे भी अब आप देखेंगे ना कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो वहाँ पे आपने क्या देखना है कि वो कितने बिट की इंक्रिप्शन है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उसको इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में जाहिर है कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो वो उसको बढ़ाने से पहले भी 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है कि क्या वाकई हम, वरना व्हाट्सएप के लिए कोई मसला नहीं है, एक अपडेट आएगी ना व्हाट्सएप के मोबाइल ऐप में, तो वो अपडेट क्या करेगी, वो पुराने बने हुए जो की है उसको एक्सपायर कर देगी, ख़त्म, डिलीट कर देगी और एक नया की जनरेट कर देगी। अच्छा, आपको ये लिखा हुआ भी आता है आपके पास व्हाट्सएप पे, नोट किया है कभी, अगर मिसाल के तौर पे मैं अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दूँ, सिक्योरिटी की चेंज लिखा हुआ आता है,
इसका यही मतलब होता है कि मैं अपने डिवाइस में जो व्हाट्सएप था वो अनइंस्टॉल कर दिया है और मैंने किसी नई डिवाइस में या उसी डिवाइस में व्हाट्सएप दोबारा जब मैं इंस्टॉल करूँगा ना तो वो की क्योंकि बनी भी नहीं होती, वो देखता है नहीं बनी भी वो बना देता है। तो वो जो अब जो की बनी है वो क्या बनी है, नए सिरे से बनी है। तो अब जो मैं मैसेज, अच्छा जाहिर है जब मेरे पास एक नई की बन गई है तो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको मेरी पब्लिक की अनाउंस हो जाती है कि यार ये उसकी पब्लिक की चेंज है। तो अब मेरे से जो भी कम्युनिकेशन होगी ना मेरे नए पब्लिक की के जरिए होगी, ठीक है। और इस दौरान अगर किसी ने मुझे मैसेज भेजा था मेरी पुरानी वाली की से तो वो शायद मुझे नहीं मिलेगा, उसमें लिखा हुआ था वेटिंग टू रिसीव इस तरह हो, लेकिन आता नहीं है फिर। समझ गया सारी कहानी इसकी? नहीं, वो तो 911 को आपकी डिवाइस का एक्सेस होता है ना, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा था कि 911 जो होता है यानी गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो होती हैं उनको आपकी डिवाइस का एक्सेस होता है और कंपनीज़ को इस चीज़ पे एग्री करना होता है कि जब भी अथॉरिटीज़ को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको ये चीज़ें देंगे। सही है, वो आम पब्लिक के लिए हिडन होता है। मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो मेरी कन्वर्सेशन आपसे हिडन है, लेकिन गवर्नमेंट से मैंने ये शुरू में एग्रीमेंट ओके किया है उस पर उस प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हुए कि अगर गवर्नमेंट एंटिटी को चाहिए होगा तो ये मैसेज उनसे शेयर किए जा सकते हैं। तो अगर आप वो एग्रीमेंट पढ़ें तो उसमें ये क्लॉज डले हुए होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंटिटी को वो आपकी डिवाइस का एक्सेस होता है, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों की बात हुई है। मोबाइल की स्टोरेज में कहीं ना कहीं होती है। ये आईफोन में और इसमें तो की चेन के नाम से एक अंदर ऐप होती है, उसमें होता है ये। अब मैं की चेन खोलूँगा ना तो ये सारी ऐप उसमें आ जाएंगे, ये देख रहे हो ये सारे एक्सेस की इसके अंदर मौजूद है। माई सर्टिफिकेट्स में जाऊँगा ना मैं, अच्छा इसमें तो एक ही आ रहा है, वेल कीज़, ये देख रहे हो कितनी सारी पब्लिक की स्टोर हुई हुई है मेरे पास। ये डिफरेंट जो ऐप्स हैं उन्होंने बना बना के यहाँ पर रखा हुआ है। ये सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, ये सर्टिफिकेट्स और कीज़ जो है ना ये डिफरेंट ऐप्स जो इंस्टॉल हुई हुई ऐप है उसका तो यहाँ स्टोर होता है। जो वेब एप्लीकेशन में चला रहा हूँ उसका जाहिर है वो गूगल क्रोम के अंदर कहीं होता होगा। वेल तो मैं क्या बता रहा था, हाँ अब मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ कि वो जो मैं बता रहा ना कि पूरे दुनिया की कंप्यूटिंग पावर को लगा के अभी कितने लगेंगे उसको, तो ये 1024 बिट का जो RSA है क्या ये सिक्योर है, किसी ने ये सवाल पूछा था, ठीक है। ये कब इसने पूछा है सवाल, ये सवाल इसने पूछा है 2009 में और इसका जो सबसे रीसेंट आंसर है इसमें वो वाली बात अभी तक किसी ने नहीं की कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। अच्छा ये देखो इसने यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बात की है, इसने बोला व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, हाँ क्या, अच्छा इधर गौर करो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, इफ यू आर इनक्रिप्टिंग समथिंग दैट इज नॉट टेरिबली वाइटल देन 1024 वुड बी फाइन। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जैसे आप व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह ऐसे कैजुअल चीज़ हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसके लिए कह रहा है 1024 चलेगा, बट इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग समथिंग वेरी वाइटल समवन मेडिकल और फाइनेंशियल तो वो कह रहा है 4096 लगा दो आप अभी से ही। सही है, इसने ये जवाब दिया किस 2009 में ही दे दिया था इसने ये जवाब, ठीक है। द साइज ऑफ की रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्रोटेक्टिंग, हाउ लॉन्ग एक्सपेक्ट टू बी इनक्रिप्टेड ऑन होल्ड, इफ़ योर लाइफ फ्रेम इज दैट इनटू वैलिड फॉर 10 मिनट्स देन 1024 वर्क फाइन, 10 ईयर्स प्रोटेक्शन इज इंट इट। कह रहे हैं कि अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट की बात है ना तो आप 1024 लगा दो, मसला नहीं है, लेकिन अगर 10 साल के लिए स्टोर करोगे उसी चीज़ को तो बेहतर ये है कि आप उसको 1024 से ऊपर करो। ये इसी चीज़ को जहन में रखते हुए इसने बताया शायद कि 10 साल बाद कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला जो है ना, अच्छा इसने भी बहुत ज़बरदस्त बात की कि नथिंग इज़ गोइंग टू बी टोटली सिक्योर फॉर एवर। कह रहे हैं कि फॉर एवर काम नहीं करेगा ये, कभी ना कभी इसको अपडेट करना होगा। इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट जस्ट यूज 2048, ठीक है। बिसाइड दैट आर्टिकल बट डिटरमाइन द प्राइम नंबर दैट इज मेड अ ह्यूज इंटीजर नियरली इम्पॉसिबल विदाउट लॉट्स ऑफ कंप्यूटर एंड लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे इसने किसी आर्टिकल को कोट किया है कि जो है ना
असल में ये प्राइम नंबर के जरिए कुछ होता है, ये प्राइम नंबर को गैस वैस करके कुछ बनता है। तो कह रहा है कि ये जो ना आपको नियरली इम्पॉसिबल जो टाइम है ना, इसे 100 ईयर में एक की डिक्रिप्ट होगी 100 ईयर्स में, तो वो नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, 100 ईयर एक बंदे का लाइफ स्पैन भी नहीं है, 60 ईयर हो चुका है, तो एक बंदे के लाइफ स्पैन से 1.5 है, तो सिक्योर उसको समझा जा रहा है। तो यार वो वाली बात अभी तक किसी ने भी नहीं की कि इसको सिक्योरिटी का मेजरमेंट क्या है। थ्री वन जीरो डेसिमल डिजिट्स इज नॉट कंसिडर्ड सिक्योर इनफ। अच्छा, यहाँ पे इसने ना कुछ बात की है करीब करीब, लास्ट टाइम आई चेक NIST कोई डिपार्टमेंट है, रेकमेंडेड दैट 2048 बिट एंड प्रिडिक्ट दैट इट विल रिमेन सिक्योर अंटिल 2030। कह रहे हैं कि 2048 पे अगर आप करोगे ना तो वो 2030 तक सिक्योर रहेगा, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि वो कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा ये एक PDF फाइल इसने रेकमेंड की है और कह रहा है कि इसके अंदर ना कोई टेबल बनी हुई है, किसी ने कोई टेबल बना के रखी है कि कौन सी की कब तक सिक्योर है। अच्छा, कोई गवर्नमेंट का ये है कुछ एंटिटी है, अभी टेबल तो है ही नहीं इसमें। सुपरसीडेड, अच्छा सुपरसीड हो गया ये वाला डॉक्यूमेंट, हटा के इन्होंने उसकी जगह कोई नया डॉक्यूमेंट रख दिया सुपरसीडेड, और ये भी सुपरसीडेड है, सारे ही सुपरसीड हो गए ये। नहीं, वो उन्होंने वो चीज़ ही हटा दी है ना वहाँ से, कहाँ आ रहा है, ये आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ आ रहा है। अच्छा, लोकल डाउनलोड करते हैं, लोकल डाउनलोड इसको देखते हैं क्या बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही, ओ गॉट, इसको तो मेरे ख्याल है फिर स्क्रॉल करना बेकार है, इसको हम छोड़ देते हैं। पेज बताया था इसने, 67, हाँ 67 पेज नंबर पे चलते हैं। हो यस, अच्छा ये तो सारी की है। अच्छा 80 से शुरू हुआ था ये 128 और फिर, लेकिन इसमें एयर तो नहीं लिखा हुआ ये कब तक है, इसमें एयर तो नहीं लिखा हुआ ये कब तक है। अच्छा ये 64-65 पर है, 67 इस बुक का जो है ना वो यहाँ पर है, 67 इस बुक का यहाँ पर है, हाँ ये ना ईयर लिखा हुआ है इसने, इसने बोला 2031 से बियॉन्ड जो है ना ये डिसअलाउड है, ये वाला एक्सेप्टेबल है, जो 128 जिसकी स्ट्रेंथ है ना वो चलेगा, 128 से कम स्ट्रेंथ वाला नहीं चलेगा। अच्छा 128 स्ट्रेंथ इसने ये पीछे पेज पे बताया था कि स्ट्रेंथ ये किस चीज़ को कह रहा है, ये रहा ये स्ट्रेंथ है, तो 128 स्ट्रेंथ जो है वो एटलीस्ट ये वाला है, यानी कि शार 256, और इसमें RSA तो आ ही नहीं रहा, RSA का जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ये सिर्फ शाह की बात कर रहे हैं, SHA की बात कर रहे हैं। अच्छा अब इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अब ये शाह और RSA का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि SHA भी जो है ना वो भी पब्लिक प्राइवेट की पे ही चलता है, आपका ये बिटकॉइन है ना ये पब्लिक प्राइवेट की जो इसकी चल रही है वो शाह 256 पे चल रही है, तो ये RSA भी ना अंडर द हुड कहीं ना कहीं वो SHA को ही गालबन यूज़ करता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है जी, अच्छा इसको अब हम बंद कर देते हैं और हम आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पे।